हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गुरु फाइव इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस डैम्प्ड ऑसिलेशन दैट मींस व्हेन देयर इज अ रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल जो रेजिस्टिव फोर्स होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट लगता है तो एक एक्सटर्नल फोर्स ये और लग जाता है पार्टिकल पर सो so, पार्टिकल की जो एनर्जी होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती कंटिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है सो सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन आर कोल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन सो इस केस में हम एक ब्लॉक ले लेते हैं सपोज वही जैसे हमने अनडैम्प्ड ऑसिलेशन्स में कंसिडर किया है सो so, ये सपोज स्प्रिंग इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के सपोज किसी इंस्टेंट पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो है एक्स इसकी वेलोसिटी है वी इधर को सो so, जो रजिस्टिव फोर्स लेगा वो वेलोसिटी के अपोजिट सो रजिस्टिव फोर्स हम मान लेते हैं एफ आर और ये किसके बराबर है माइनस वी के प्रोपोर्शनल और एक कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं डैम्पिंग कॉन्स्टेंट डैम्पिंग Constant. Okay. So, the net force लगेगा पार्टिकल पर नेट फोर्स मास इंटू दैट विल बी एक तो रिस्टोरिंग इस डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर और जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी इधर है सो माइनस बी वी ओके सो मास इनटू एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस बी और इसको हम लिख सकते हैं डॉट इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे सो ए प्लस बी बाई एम इंटू एक्स डॉट प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू जीरो के बाई एम को हम एक कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेते हैं दैट इज ओमेगा नोट स्क्वायर ये वो फ्रीक्वेंसी थी जब पार्टिकल अनडैम्प्ड ऑसिलेशन करते हैं विदाउट एनी रजिस्टिव फोर्स तो so, और बी वाई एम को हम कंसिडर कर लेते हैं अनदर कॉन्स्टेंट बी वाई टू एम को सपोज ये ले लेते हैं हम आर या बी बाई एम इक्वल टू टू आर सो ए क्या है एक्स डबल डॉट डी स्क्वायर एक्स बाई डी डी स्क्वायर और ये हमने लिख लिया टू आर एक्स डॉट प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो दिस कैन बी रिटिन एज डी स्क्वायर प्लस टू आर डी प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो अब जो ये इक्वेशन है इसका सोल्यूशन कितना होगा टू आर एल्फा प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू जीरो सो एल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू आर प्लस माइनस फोर आर स्क्वायर माइनस फोर ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन टू सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर तो अल्फा वन को हम लिख सकते हैं माइनस आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा ओमेगानोट स्क्वायर और अल्फा टू को हम लिख सकते हैं माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर सो जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो क्या पावर आई एल्फा वन टी प्लस अनदर कॉन्स्टेंट सी टू सपोज माइनस आई ये प्लस आई एल्फा टू टी एल्फा वन एल्फा टू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे और उसके लिए हम तीन केस लेते हैं आर ग्रेटर देन ओमेगा नोट आर इक्वल टू ओमेगा नोट और आर लेस देन ओमेगा नोट इसी हिसाब से हम तीन टाइप के ओसिलेशन करते हैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ओवर डैम्प्ड ओसिलेशन क्रिटिकल डैम्पिंग और अंडर डैम्प्ड ओसिलेशन तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको फर्स्ट वन इज ओवर डैम्प्ड और डेड बीट भी बोलते थे इसको ओवर डैम्प्ड और डेड बीट और इस केस में क्या है आर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट ओके सो जो ये सॉल्यूशन है अल्फा वन और अल्फा टू का इनको हम एज इट इज रख के यहां पर वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं सो एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी वन ई टू दावर आई अल्फ़ा की वैल्यू क्या है माइनस आर माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू टी प्लस सी टू ई टू द पावर आई माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू टी यहाँ से ई टू दावर माइनस आर टी आई ए कॉमन माइनस आई आर टी कॉमन सो दिस कैन बी रिटन एज सी वन ई टू दावर माइनस आई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू टी प्लस सी टू ई टू द पावर आई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर इंटू टी अब जो ये सोल्यूशन आया हमारा ये कैसा है एक्सपोनशियल सोल्यूशन कैसा है विच तो so, इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम एपीरियोडिक सोल्यूशन मोशन कैसी हो जाएगी एपीरियोडिक ओसिलेशन नहीं होंगे सो so, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा दैट मीनस एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी सो so, डिस्प्लेसमेंट Continuously decreases with T, so particle returns to equilibrium position quite slowly without performing oscillations. शन नहीं होंगे सो so, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज टाइम प्रोग्रेस द मोशन विल डाई आउट और एज टाइम प्रोग्रेस द मोशन विल डाई आउट पार्टिकल की जो एनर्जी है कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी एक्सपोनेंशियली सो so, अगर इसको हम ग्राफ में शो करें तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है एक्स कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ तो so, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा ये वाला सपोज शुरुआत में कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है कुछ कहीं से पार्टिकल स्टार्ट करे तो कंटिन्यूसली ऐसे डिक्रीज होता जाएगा और स्लोली जो स्लोप है इसकी काफ़ी कम होगी विद रेस्पेक्ट टू अदर केसेज जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं एप्लीकेशन इसका यूज इन डेड बीट और बेलिस्टिक गेलवानोमीटर्स नाउ एज टू क्रिटिकल डैम्पिंग और इसमें क्या होता है आर इक्वल टू ओमेगा नोट सो एल्फा था हमारा माइनस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर आर इक्वल टू ओमेगा नोट है सो so, एल्फा की वैल्यू माइनस आर तो दोनों फैक्टर एल्फा वन और एल्फा टू इक्वल हो जाएंगे माइनस आर के सो so, जो सोल्यूशन होगा इक्वेशन का डिसप्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी सी वन प्लस सी टू टी ई टू द पावर माइनस आर टी दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिसप्लेसमेंट अब जो ये सोलूशन आया ये भी कैसा है एक्सपोनेंशियल सो इसमें भी पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन तो करेगा नहीं सो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा डिस्प्लेसमेंट तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है टोटल एनर्जी वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी सो so, पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम पोजिशन है उस पर जल्दी से आ जाता है इस केस में इन कंपेरिजन टू ओवरडैम्प्ड कंडीशन सो ग्राफ एक्सपोनेंशियली है लेकिन इसकी जो स्लोप होगी वो ओवरडैम्प्ड कंडीशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है मतलब पार्टिकल रैपिडली आता है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ को दैट मीन्स जो क्नेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है टोटल एनर्जी वो तेजी से घटती है इस केस में इस क्रिटिकल डैम्पिंग वाले केस में सो so, जो ग्राफ होगा इसमें इधर सपोज डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम इसमें पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तेजी से डिक्रीज होगा सो so, अगर ये क्रिटिकल डैम्पिंग का केस है सो ओवर डैम्पड वाला कुछ ऐसे होगा वो धीरे धीरे घटता है इक्रम पोजिशन की तरफ को स्लोली आता है लेकिन ये रैपिडली आता है तो so, तीनों ग्राफ को एक साथ बाद बना लेंगे हम तीनों केस के लिए अभी केवल अलग अलग डायग्राम बना के दिखा रहा हूं मैं अब इसके लिए दो पॉइंट लिख लेते हैं सो पार्टिकल एंड टू एक्वायर इट्स पोजिशन मच मोर रैपिडली इन कंपेरिजन टू ओवर डैम्पड केस हालांकि मौसम कैसी है एपीरियोडिक ही है इसमें भी नोट ऑसिलेटरी तो इस कंडीशन को हम यूज करते हैं कुछ पॉइंटर इंस्ट्रूमेंट्स में जिनमें जो पॉइंटर होता है वो जैसे ही रीडिंग ले लिया हमने तो तुरंत अपनी इनिशियल पोजिशन पर आ जाए सो so, yeah, यह इसका एप्लीकेशन है सो यूज इन मैनी पॉइंटर इंस्ट्रूमेंट्स सो दैट The pointer returns to zero quite rapidly or in minimum time. Now, case three under damped. दिस इज द एक्चुअल केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें पार्टिकल ऑसिलेट करता है बट जो एम्प्र होता है पार्टिकल का वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है बट पार्टिकल ऑसिलेट करता है जैसे पहले जो दो केस थे उनमें पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता इसमें पार्टिकल ऑसिलेट करता है सो दिस इज द एक्चुअल केस ऑफ हार्मोनिक ओसिलेटर तो इसमें क्या होता है आर लेस देन ओमेगा नोट सो अल्फा की वैल्यू थी माइनस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर जब आर कम है तो ये वैल्यू इमेजनरी हो जाएगी सो so, आई को हम आउटसाइड ले लेते हैं सो माइनस आर प्लस माइनस आई रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको ठीक है सो अल्फा वन के लिए माइनस ले लो और अल्फा टू के प्लस तो so, x इक्वल टू हो जाएगा c1 वन ई टू दावर माइनस आर टी ई टू द पावर आई ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टी प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस आर टी ई टू द पावर आई माइनस में ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टी तो दिस कैन बी रिटर्न एज ई टू द पावर माइनस आर टी को आ जाएगा सो सी वन ई टू दावर आई ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टी प्लस सी टू ई टू दावर माइनस आई ओमेगानोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पी सो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है इसका सो यह ओसिलेटरी होगा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा सो ये है पीरियोडिक फंक्शन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इम्प्लेक्स फंक्शन

सो दिस इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ पार्टिकल वेन इट इज अंडरटैम्प्ट कंडीशन और यह क्या है एम्पलीट्यूड विच इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग विद टाइम सो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वेयर ए इज ए टू दावर माइनस आर टी एम्प्लीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग विद टाइम एक्सपोनशियली सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस केस में टू पाई अपॉन ओमेगा डैश दैट मीन्स टू पाई अपॉन रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर नाउ एम्प्लीट्यूड इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली विद टाइम सो एट ए पर्टिकुलर टाइम द एम्पलीट्यूड बिकम्स वन अपॉन ई टाइम्स एम्पलीट्यूड so, कम होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा होगा जहां पर एम्पलीट्यूड जो है पार्टिकल का वो वन अपॉन ई टाइम्स हो जाएगा दैट टाइम इज कोल्ड एज मीन लाइफ टाइम मीन लाइफ टाइम क्या है टी मीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं टाइम इन विच एम्पलीट्यूड बिकम्स वन अपॉन ई टाइम्स तो देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है इसकी ए इक्वल टू क्या है ए ई टू पावर माइनस आर टी सो एम्पलीट्यूड जो इनिशियल एम्पीट्यूड है उसका वन अपॉन ई टाइम्स होना चाहिए तो वन अपॉन ई ए इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस आर टी इससे ये कैंसिल ई टू दावर माइनस वन सो आर टी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा वन सो so, जो मेन टाइम पीरियड है मेन लाइफ टाइम है किसके इक्वल वन अपॉन आर सो so, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें हम सो एम्पीट्यूड सपोज वाई एक्सिस के अलग और टाइम एक्स एक्सिस के अलग सपोज इनिशियल एम्पीट्यूड कितना है ए इक्वल टू जीरो पर जो इसका ग्राफ होगा वो एक्सपोन ऐसे कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है एम्पीट्यूड और इसकी वैल्यू ए अपॉन ई हो जाती है एट टाइम पी मीन नाउ लेट अस टेक एन इम्पोर्टेंट टर्म दैट इज लोगरिथमिक डिक्रीमेंट ये क्या होता है लोगरिथमिक डिक्रीमेंट इसको हम सपोज लैमडा रिप्रेजेंट कर देते हैं इट इज एम्पलीट्यूड्स विच आर सेपरेटेड बाय वन रिवोल्यूशन या वन टाइम पीरियड इट इज लोगरिथिम ऑफ रेसो ऑफ टू एम्पलीट्यूड्स

एल एन ए से ए कैंसिल इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ई टू पावर आर ई एल एन से ई e कैंसिल सो जो लोगरिथम डिक्रीमेंट है ये आ जाएगा आर टी भैया आर इक्वल टू क्या है बी अपॉन टू एम सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी टी अपॉन टू एम दिस इज द लोगरिथम डिक्रीमेंट अब जो हमने तीनों केस किए हैं इन तीनों को एक जगह बना लेते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लेते हैं तीनों को जैसे एम्पीट्यूड तीनों में कैसे वेरी करता है सो सपोज इधर है डिस्प्लेसमेंट ये एक्स और इधर है टाइम तो इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो ए है दैट मीन्स इनिशियल एम्पलीट्यूड जो पार्टिकल थर्ड केस में ओसिलेट कर रहा है दैट मीन्स एक्चुअल हार्मोनिक ओसिलेटर तो उसका जो डायग्राम है एम्पीट्यूड का वो तो ऐसे वेरी कर रहा है एम्पीट्यूड तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है सो so, जो ग्राफ होगा इसका वेरिएशन जो होगा वो कुछ ऐसे होगा यहाँ से इस तरह से जाएगा इस तरह से उस करेगा और एम्पीट्यूड कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं इस तरह से तो ये केस कौन सा है केस थर्ड थर्ड फर्स्ट वाला केस कौन सा था ओवर डैम्प्ड वाला और उसमें जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है एम्प्रिट्यूड या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वही एम्पिट्यूड है पार्टिकल की जो इक्वेशन आई हमारी डिस्प्लेसमेंट की वो कैसी है एक्सपोनेंशियल दैट मीन्स एपीरियोडिक और स्लोली डिक्रीज होता है so उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा यह है फर्स्ट वाला केस ओवर डैम्प्ड अब अगर मैं सेकंड वाला ड्रॉ करता हूँ तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली लेकिन रैपिडली इन कंपेरिजन टू फर्स्ट तो ये है सेकंड वाला केस तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो तीनों को कंपेयर करके सो तो तीसरे वाला जो केस है यही है एक्चुअल हार्मोनिक ओसिलेटर जो एम्बीट्यूड है पार्टिकल का वो डिक्रीज होता जा रहा है और पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है विद वेरिंग टाइम पीरियड टाइम पीरियड भी किस पर डिपेंड करता है आर पर

हाफ एम वी स्क्वायर तो है काइनेटिक दैट मीन्स हाफ एम एक्स डोट स्क्वायर और एक्स की वैल्यू क्या थी ए ए टू द पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव सो इसको डिफ्रेंशिएट करके भी लिख लो एक्स डॉट ए ए टू द पावर माइनस आर टी इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा डैश कोस ओमेगा डैश टी प्लस फाइ प्लस ये इट इज और इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस आर सो माइनस आर साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दो हाफ एम ए स्क्वायर ए टू पावर माइनस टू आर टी ओमेगा डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव माइनस टू आर ओमेगा डैश साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव कोस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव एक तो ले लेते हैं इसका एवरेज ठीक है साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव कोस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव का जो एवरेज है साइन टू ओमेगा डैश टी प्लस फाइव तो इसका एवरेज तो हो जाएगा जीरो इस वाली टर्म का एवरेज और एक लगा लेते हैं अप्रोक्सीमेशन क्योंकि क्या है जो आर की वैल्यू है वो क्या है ओमेगा नोट से काफी कम अंडर डैम्प वाले केस में हम ले रहे हैं so, अगर आर ओमेगा नोट से काफी कम है सो so, आर स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड इन कंपेरिजन टू ओमेगा स्क्वायर सो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो ये वाली कंडीशन रह वाले? ये वाली टर्म रह जाएंगे हाफ एम ए स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस टू आर टी ओमेगा डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव और जब ऐसा है तो ओमेगा डैश स्क्वायर नियरली हम लिख सकते हैं ओमेगा नोट स्क्वायर के तो so, यहाँ पर यह आ जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर ई टू पावर माइनस टू आर टी कोस स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव सो दिस इज द एवरेज कार्नेटिक एनर्जी सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर सो हाफ के की वैल्यू एम ओमेगा नोट स्क्वायर और एक्स क्या है ये सो ए स्क्वायर ई टू दावर माइनस टू आर टी साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव दोनों को ऐड कर दो सो टोटल एनर्जी ई हो जाएगी हाफ एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर तो कॉमन हाफ एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर और ये भी कॉमन ई टू द पावर माइनस टू आर टी सो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा कोश स्क्वायर साइन स्क्वायर ये वन हो जाएगा Even, so, जो एनर्जी है टोटल वो हो जाएगी ये ईक्वल टू जीरो पर जो टोटल एनर्जी है एट इक्वल टू जीरो हम डिनोट कर लेते हैं ई नोट सो इक्वल टू जीरो के लिए हाफ एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर एनर्जी का एम्पीट्यूट बोल सकते हैं हम इसको सो ई इक्वल टू ई नोट ई टू पावर माइनस टू आर टी तो एनर्जी कैसे वेरी कर रही है एक्सपोनेंशियली एनर्जी वैरी कर रही है एक्सपोनेंशियली इक्वल टू ई नोट ई टू द पावर माइनस टू आर ई सो जिस टाइम में एनर्जी जो है वो वन अपॉन ई टाइम्स हो जाए इनिशियल वैल्यू की उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम रिलैक्सेशन टाइम इसको हम डिनोट कर देते हैं टू से तो क्या ये टाइम इन विच एनर्जी बिकम्स वन अपॉन ई टाइम्स सो ई नोट अपॉन ई इक्वल टू ई नोट ई टू दावर माइनस टू आर टू सो ई नोट से ई नोट कैंसिल सो ई टू दावर माइनस वन सो टू आर टू हो जाएगा वन सो टू की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन टू आर आर की वैल्यू क्या है बी बाई टू एम से हो जाएगा एम अपॉन बी या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यह है वन अपॉन टू वन अपॉन आर क्या होता है मीन लाइफ टाइम जो हमने एम्बिट्यूड वाले केस के लिए था जब एम्बिट्यूड वन अपॉन ई टाइम्स हो जाता है तो इन दोनों को एक साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं सपोज इधर एम्पलीट्यूड है और इधर है टाइम सिमिलरली ये एनर्जी है और ये है। सो एनर्जी का एम्पीट्यूड इनिशियल इक्वल टू जीरो पर ई e नोट और ये है ई तो so, जो इसका लाइफ टाइम है रिलैक्सेशन टाइम जिसको बोल रहे हैं हम जिस टाइम के लिए जो एनर्जी है वन अपॉन ई टाइम्स हो जाती है वो मीन लाइफ टाइम का क्या है आधा सो so, ये है मीन लाइफ टाइम इस तरह से ठीक है ये वाला ये और ये इक्वल है सो so, जो एम्पीट्यूड है यहाँ पर वन अपॉन ई टाइम्स हो जाता है इस पॉइंट पर वैल्यू हो जाएगी ई बाई जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा सो यहां पर जो वैल्यू है एम्बलीट्यूड की वो ए अपॉन ई और इस केस में यहां पर है सो ये ऐसा हो जाएगा सो यहां पर ई नोट बाई हम देख लेते हैं रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी डेट मींस पावर लॉस पावर लॉस रेट ऑफ डिस ऑफ एनर्जी सो किसके बराबर होगा माइनस डी ई अपॉन डी टी माइनस साइन सोज दैट अनर्जी इज डिस करो इसका डिफ्रेंशिएट ई नोट माइनस टू आर ई टू दावर माइनस टू आर टी ई नोट ई टू दावर माइनस टू आर टी ई यह हो जाएगा टू आर ई सो दिस इज द रेट ऑफ अनर्जी लॉस So, अब हम निकाल लेते हैं क्यू फैक्टर क्यू फैक्टर क्या होता है क्यू इक्वल टू टू पाई एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस पर साइकिल एनर्जी लॉस पर साइकिल सो टू पाई एनर्जी स्टोर्ड ई और एनर्जी लॉस पर साइकिल सी हमें सो एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम क्या है टू आर ई सो so, एक साइकिल के लिए टाइम कितना होगा टाइम पीरियड सो एनर्जी लॉस किसके बराबर टू आर ई इं टाइम पीरियड सो टू आर ई इंटू एक साइकिल के लिए टाइम पीरियड सो ई से ई कैंसिल टू से टू कैंसिल सो एक किसके बराबर हो जाएगा पाई अपॉन आर इंटू टी और आर की वैल्यू क्या है बी अपॉन टू एम सो क्यू फैक्टर इस केस के लिए आ जाएगा पाई बी अपॉन टू एम और ये है टी सो दिस इज द फैक्टर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां से क्यू इक्वल टू क्या था टू पाई अपॉन टू आर इन टू टी ये क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और क्योंकि ओमेगा डैश हमने किसके को लिया लगभग ओमेगा नोट अपॉन टू आर और वन अपॉन टू आर किसके बराबर है टू दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा नोट टू सो ये हो गया क्यू फैक्टर अगर अनडैंप्ड ओसिलेटर के लिए कैलकुलेट करना चाहें हम क्यू फैक्टर सो आर की वैल्यू क्या होती है अनडेम्प्ड ऑसिलेटर के लिए जीरो आर so की वैल्यू जो डैम्पिंग फैक्टर है भी उसकी वैल्यू जीरो तो आर की वैल्यू जीरो सो आर की वैल्यू जीरो तो क्यू फैक्टर तो तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट ठीक है ना इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द